हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसवीटी के एक और न्यू अपडेट के बारे में, जो कि है 2021 सेशन के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो इस बार एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एली वाले स्टूडेंट के लिए ये नोटिस है, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन सभी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेम एली का एडमिशन हुए करीब 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ था। तो काफी सारे स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे थे और पुराने वीडियो में कमेंट भी किए थे कि सर हम सबका रजिस्ट्रेशन कब तक होगा। तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन में, कितना रुपया लगेगा आपके रजिस्ट्रेशन में, यानी कि आप सभी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेट आप यहां पे देख सकते हैं 1/2/2022, जो कि आज की डेट है। लेटर संख्या आप देख सकते हैं 732। तो काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये बात होगी जो नए सेमेस्टर के स्टूडेंट है, इस बार एडमिशन लिए हैं, कि एसवीटी क्या है। तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उनको पता होगी, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो एसवीटी आप सभी का बोर्ड का नाम है, ठीक है। जैसे कि आप लोग 10th का एग्जाम देते होंगे तो 10th का बोर्ड कौन हो गया? बिहार बोर्ड। वैसे आप लोग पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा तो इसके रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं वो एसबीटी बोर्ड के थ्रू होता है। तो आप सभी के बोर्ड का नाम है एसबीटी, यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस पूरे लेटर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेवा में प्राचार्य सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, सभी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी ये जो लेटर लिखी गई है सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सत्र 2021-22 सेशन, आप देख सकते हैं 2021-22 में प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर जो एली के स्टूडेंट है लेटर एंट्री के नामांकन छात्र छात्राओं के निबंधन के संबंध में, यानी कि उन सभी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर लेटर एंट्री के सत्र 2021-22 में नामांकित छात्र छात्राओं के निबंधन आवेदन पत्र संस्थान के माध्यम से 17/2/2022 तक ऑनलाइन भरवाया जाए, यानी कि 17 फरवरी तक लास्ट डेट है आप सभी के रजिस्ट्रेशन करने का, यानी कि आप सभी के पास 17 दिन का समय है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी। निर्धारित शुल्क के रूप में प्रति छात्र ₹500 की दर से प्राप्त सचिव राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना के पदनाम से खाता संख्या, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे IFSC कोड दिया हुआ है और यहाँ पे आपका बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेली रोड पटना में हस्तांतरित कर दिया जाए, यानी कि आप सभी के रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो ₹500 प्रति छात्र है, जो कि आपको राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना के सचिव के अकाउंट में भेजना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको IFSC कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में और डिटेल में आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से निबंधन फॉर्म भर कर दिनांक 21/2/2022 तक निश्चित रूप से परिषद को उपलब्ध करा दिया जाए, यानी आप सभी के कॉलेज को बोला जा रहा है कि 21 फरवरी तक आप एसवीटी बोर्ड में, ठीक है, ये सारा चीज फॉर्म जो भी होता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो पहुंचा दे। निर्धारित तिथि के बाद प्राचार्य द्वारा समुचित कारण के साथ प्रति छात्र ₹100 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 1000 विलंब शुल्क के साथ 26 फरवरी 2022 तक निबंधन आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि अगर आप किसी कारणवश 17 फरवरी तक अपना ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, 26 फरवरी तक आप कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको ₹100 चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। मान लीजिए आपने 17 की जगह 18 को किया तो आपको ₹600 लगेगा, अगर आपने 19 को किया तो 700, अगर आपने 20 को किया तो 800,
यानी आप जितना लेट कीजिएगा उतना ज्यादा पैसा आपको लगने वाला है। तो 17 फरवरी तक आप अवश्य रूप से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले। और कॉलेज में जमा करने का डेट आप यहाँ देख सकते हैं 21 फरवरी तक है। अगर आप किसी कारणवश नहीं करवा पाते हैं तो विलंब शुल्क लेट फाइन के साथ आप 26 फरवरी तक करवा सकते हैं, ठीक है। तदनुपरांत भेजे गए आवेदनों पर प्रेषण विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप इस डेट के बाद भेजते हैं, यानी 26 फरवरी के बाद भेजते हैं, तो आपका स्वीकार नहीं होगा। विलंब से भरे निबंधन प्रपत्र SVT में निबंधन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जून तक रहेगा। तो जैसा कि आप यहां डेट देख सकते हैं, 21 फरवरी तक डेट दिया गया था सभी कॉलेजों को कि आप ये फॉर्म भरवा के SVT बोर्ड तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो जो लेट से होगा, ठीक है, जो लेट से स्टूडेंट जमा करेंगे उनका लास्ट डेट है SVT बोर्ड में जमा करने का 28 फरवरी। इसके बाद अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद प्रेषद यानी SVT बोर्ड उसको स्वीकार नहीं करेगी। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रेषद द्वारा निबंधित छात्र छात्राओं की सामयिक या प्रेषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। यानी जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पिछले बार भी क्या हुआ था, कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। तो जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी अभी तो आप सिर्फ कॉलेज में नाम लिखा है, SVT बोर्ड तक आपका अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी आप DCC बोर्ड के द्वारा यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन आपका हुआ है। अभी तक आपका सारा डाटा SVT बोर्ड के पास नहीं पहुंची है। तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक SVT के पास आपका कोई जानकारी नहीं होगा, इसलिए तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं अपने सेमेस्टर का। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। छात्र छात्राओं से ऑनलाइन निबंधन आवेदन पत्र की एक प्रति प्राप्त कर उसपे संबंधित छात्र के नामांकन आदेश पे चिपके छाया चित्र के निगेटिव का ही छाया चित्र चिपका कर तथा प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित कर प्रेषद को प्रेषित किया जाए। यानी कि जब आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा तो उसका एक कॉपी आपको निकालना है, जिसपे आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है और कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। अभी प्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छाया चित्र तथा आधा आवेदन पत्र पे होना चाहिए। तो ये कॉलेजों को बोला जा रहा है कि आप जो मुहर साइन कीजिएगा तो आधा फोटो पे होना चाहिए और आधा उस फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कॉलेज खुद कर देगा। आप जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कॉलेज में जमा कीजिएगा तो कॉलेज वो खुद कर देगा। आवेदन पत्र के साथ सिर्फ नामांकन आदेश, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र, ईश्वर हस्तरी तथा RTGS द्वारा जमा की गई राशि की प्राप्ति रसीद की अभी प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संकलन कर भेजा जाए, जिससे कि समय पे छात्रों का निबंधन किया जा सके। यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला तो आप रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन कीजिएगा आपको वो निकाल लेना है, फिर मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र आपको वो लगा देना है, उसका फोटो कॉपी, ठीक है, और जो आप पैसा जमा किए हैं उसका रसीद आपको लगाना है, ठीक है। वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रों का प्रेषद में निबंधन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का गलत कागजात देने पे संबंधित छात्र छात्राओं का निबंधन रद्द किया जाएगा। यानी कि अगर आपको जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है अगर आप वो नहीं देते हैं या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा उन्हीं छात्र छात्राओं का निबंधन किया जाएगा जिनका नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद या बिहार निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक एसोसिएशन BPTI कॉर्पोरेट ऑफिस 32 पाटलिपुत्र कॉलोनी। यानी कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो स्टूडेंट DCC बोर्ड के द्वारा आए हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर BPTI के द्वारा अगर इनके द्वारा कोई आए हैं तो ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपका बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन है तो आप DCC बोर्ड के थ्रू आए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। निबंधन आवेदन पत्र पे अग्रसारित करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की जांच प्राचार्य स्वयं अपने स्तर से कर ले। यानी कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को बोला जा रहा है कि आप जो रजिस्ट्रेशन यानी आप जो डॉक्यूमेंट जमा लेंगे स्टूडेंट का, तो आपको ये सारा चीज वहां पे देखना है कि सही है या फिर नहीं। जैसे कि निबंधन आवेदन पत्र पे अंकित छात्र या छात्रा का नाम, माता पिता का नाम, यानी कि स्टूडेंट के जितने भी डिटेल्स हैं उनके मम्मी पापा का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो सारा
उनके मार्कशीट के आधार पे है या फिर नहीं है, या उनको चेक करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, ये आप सभी को पता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती नहीं करना है। निबंधन आवेदन पत्र पर चिपकाए गए छायाचित्र का मिलान संबंधित छात्र या छात्रा एवं नामांकन अभिलेख पर चिपके गए छायाचित्र से किया जाए एवं आवेदक या आवेदिका के हस्ताक्षर के जांच के बाद ही छायाचित्र अभी प्रमाणित किया जाए, यानी कि स्टूडेंट का फोटो देख लिया जाए कि जो डॉक्यूमेंट में फोटो है और जो उनके एडमिट कार्ड में फोटो था वो सही है या फिर नहीं, ठीक है, स्टूडेंट का सिग्नेचर ठीक है या फिर नहीं, उसके बाद ही वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तीसरा क्या है, आवेदित छात्र छात्राओं से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि उक्त खाता में जमा करने की प्राप्ति रसीद की छाया प्रति संकलन किया जाए, यानी आपको जो ऊपर अकाउंट नंबर दिया हुआ है आप उसमें जो पैसा भेजेगा उसका कुछ न कुछ रसीद आता है, ठीक है, उसका डिटेल यानी कि उसको आपको निकाल लेना है, आप जो पैसा भेजिएगा वो भी आपको रजिस्ट्रेशन जो आप कराने जाइएगा अपने कॉलेज में जमा कीजिएगा डॉक्यूमेंट उसके साथ लगना जरूरी है। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी राशि स्वीकार किए जाएंगे, अब कोई स्टूडेंट अगर बैंक ड्राफ्ट बनवा लेते हैं तो वो भी स्वीकार हो जाएगा, बैंक से ड्राफ्ट भी वो लगवा सकते हैं। चेक के माध्यम से भुगतान अस्वीकार होगा, यानी कि चेक के माध्यम से यानी आप चेक के माध्यम से पैसा नहीं भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि चेक कभी कभी बाउंस भी हो जाता है, इसलिए चेक के माध्यम से पैसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगद राशि स्वीकार नहीं किए जाएंगे और नगद कैश नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, तो आपको जो ऊपर अकाउंट नंबर मिला है उसके आधार पे ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, तो आप कॉलेज का नोटिस के इंतजार पे नहीं रहिए, एसबीटी खुद नोटिस निकाली है तो कॉलेज भी नोटिस निकाल ही देगी, आप तक पहुंच ही जाएगी अगर आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे कैश स्वीकार नहीं होगा इसलिए आप ऑनलाइन पेमेंट ही करें। चौथा स्टेप पे नामांकन आदेश, स्वहस्तांतरित फोटो, एक प्रति मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र के स्वहस्तांतरित छाया प्रति तथा आरटीजीएस द्वारा जमा की गई राशि की प्राप्ति रसीद की अभी प्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संकलन करना होगा, यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसका एक कॉपी, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र का एक कॉपी, आप जो पेमेंट किए हैं उसका एक कॉपी, ये सारा चीज आपको लगा के तब कॉलेज में जमा करना होगा। छात्र द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र के प्रति प्राचार्य से प्रमाणित करते हुए संकलन करना होगा, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कीजिएगा उसको आपको अपने प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाना होगा उसके बाद ही स्वीकार होगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट को आपको पहले वेरीफाई कराना होगा तो ही जमा होगा वो, ठीक है, ये आपका कॉलेज काम है वो कॉलेज खुद कर लेगा। तो आई होप आपके रजिस्ट्रेशन से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, धन्यवाद।